कोरोना की मार झेल रहा पूरा विश्व, पर किसान भी इससे अछूता नहीं है। आपको बता दे, किसान को कोरोना वायरस तो नहीं हुआ, पर किसान की खड़ी फसल काटने के लिए कोई मजदूर नहीं मिल रहा। उसकी वजह सिर्फ कोरोना वायरस है, जिसकी वजह से लॉकडाउन हुआ पड़ा है पूरे देश में और लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं। पर किसानों का कहना है कि वो इसी वजह से अपनी फसल नहीं काट पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से फसल कट नहीं पा रही है। किसान ये भी कह रहे हैं कि अगर हाल ही में इन्हें जल्द से जल्द फसल नहीं काटी गई तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। जानते हैं क्या क्या परेशानी हो रही है किसानों को, खुद किसानों की जवानी। फसल है, काटने में क्या समस्या आ रही है आप लोग को? मैं राजेश सिंह अरोड़ा से बोल रहा हूँ मित्र। काटने में तो बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं इस वक्त। मेन परेशानी है कि पहले तो ओलावृष्टि ने हमें मारा, हम किसान हैं, इतना ज़्यादा मार दिया है कि फसल पूरी की पूरी खड़ी फसल बर्बाद हो गई हम लोगों की। जो थोड़ी बहुत बची भी है हम उसको काटना चाहते हैं तो मज़दूर नहीं मिल रहे हैं। मैं 10 की जगह अगर 2-4-5 मजदूर भी मिल जाएँ तो हम कम से कम अपनी खड़ी फसल कुछ तो काट लें, कुछ खाने के लिए व्यवस्था हो जाए हमारे साल भर का, जिसको हम नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश हमारी पूरी है कि हम खुद से काटें, लेकिन उतना हम काट नहीं पाएंगे। इसमें और किसकी गलती मान रहे हैं, किसकी कमी है? गलती इसमें किसी की भी नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि ये तो प्रकृति का मार है। सरकार तो धारा 144 लागू कर दी है, जिसमें लोगों का बाहर से कोरोना की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए मजदूर भी नहीं मिल पा रहे हम लोगों को। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि मजदूर हमें जहाँ 10 हैं मजदूर, वहाँ 2-4-5 मिल जाए मजदूर तो भी ठीक है। कम से कम हमारी जो बची हुई खेती है उसको हम संभाल लें, नहीं तो आने वाले टाइम में जो भी बैंक का लोन है, चाहे वो KCC का हो, चाहे वो BKCC का हो, किसी प्रकार का लोन हो, हम लोग भरने में असमर्थ हैं, नहीं भर पाएंगे। मैं वीरेंद्र कुमार सिंह, ग्राम सभा मोहद्दीनपुर। किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, खड़ी फसल है, लेबर मजदूर नहीं मिल रहे हैं। खड़ी खड़ी फसल होने के नाते गेहूं जो है झड़ जा रहा है। एक तरफ जो है ओलावृष्टि की मार प्रकृति की, दूसरी तरफ 144 धारा लागू है, तीसरी तरफ जो है इस विषम परिस्थिति में लेबर मजदूर न मिलने के कारण हम लोग की खड़ी फसल नुकसान हो रही है। 2-3 दिन में अगर ये नहीं काटा गया जो है तो ये सारी फसल नुकसान हो जाएगी। हर तरफ से किसान ही मारा जाता है। इस दुखद घड़ी में हम लोग का साथ देने वाला कोई नहीं। इसमें कोई सरकार की भी गलती नहीं है, ये सिर्फ जो है प्रकृति की गलती है, प्रकृति की मार है। प्रकृति किसानों का इस समय बहुत ज़बरदस्त शोषण कर रही है। कोरोना जैसे इस महामारी में जो है मजदूर अपने घरों में ही है, बाहर नहीं निकल रहा, जैसे किसानों की बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है। ये मजदूर बाहर न निकलने से ये फसल जो है हम लोग की खड़ी नुकसान हो रही है, जिससे हम लोग की आंखों में आंसू टपक रहे हैं कि सूझ नहीं रहा है कि हम लोग क्या करें इस महामारी में।